प्रदेश के किसान भाइयों को दिए छत्तीसगढ़ सरकार ने नए साल की सौगात। दरअसल भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ के 17 लाख से ज्यादा किसानों को नए साल की शुरुआत से 4 दिन पहले ही उसकी सौगात देकर सबको चौंका दिया है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि उन्होंने धान की फसल की खरीदी के लिए बजट जारी कर प्रदेश के किसानों को हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया है। वहीं प्रदेश सरकार के इस ऐलान से किसान के चेहरे खिल उठे हैं और ऐसा हो भी क्यों ना, ये स्वाभाविक बात है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी के 2 महीने के अंदर ही किसानों को उनकी फसल के बदले 14,852 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया है। इसी बीच बता दें कि प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों से अब तक 71.41 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर ली है। वहीं बाकी फसल की खरीदारी भी जारी है और ताज़ा अपडेट के मुताबिक अब तक 17.5 लाख से अधिक किसानों ने धान की बिक्री भी कर ली है और अभी भी करीब 8 लाख किसान ऐसे हैं जो धान बेचने वाले हैं। लेकिन किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, जी हां, क्योंकि 31 जनवरी 2023 तक इस बार सरकार धान खरीदी का काम करेगी। इनके अलावा खाद्य विभाग के अधिकारियों ने यह भी बताया कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर किसानों से अब तक 71.41 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। पिछले साल की तरह इस साल भी धान खरीदी के साथ साथ कस्टम मिलिंग के लिए लगातार धान का उठाव भी जारी है और अब तक 56.12 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव भी हो गया है जो कि DOE जारी किया गया है। इसमें मिलर्स ने 45,77,000 मीट्रिक टन धान का उठाव भी किया है। ये रहे छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से किसान भाइयों को नए साल का सौगात। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल CG36 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसे ही नए नए अपडेट मिलती रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।